देखो इसमें पानी है पानी। अब हमें एक बात बताओ, ये पैन एकदम सीधा है और कहीं से टेढ़ा तो है नहीं? अगर हम इसमें डालेंगे तो अब देखो ये तिरछा दिख रहा है कि नहीं? इसमें गिलास में देखो, जैसे यहां से टूट गया हाँ ऐसा लग रहा, इधर से ऐसा लग रहा होगा आपको, सामने से लग रहा हो ना कैसा इधर पे, कि ये ऐसे सामने गया और ये अंदर जाकर इस तरफ झुक गया, हाँ अंदर की तरफ झुक गया। ऐसा और देखो ये गिलास की गहराई समझ लो, एक अंदाज ले लो कितना है, ठीक है? ये एक सिक्का है, ठीक? अब अगर हम इस सिक्के को डालेंगे तो देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें, कोई परिवर्तन हो रहा या नहीं हो रहा। ऊपर पानी ऊपर नहीं, अब आप सिक्का देखो, सिक्का इसमें दिखाओ, देखो कितना एक तो बड़ा दिख रहा है, ऊपर से ही दिख रहा कि जहां वाकई में इसकी तली है उससे कुछ ऊपर उठा हुआ हो। पानी पूरा निकाल देंगे तो ये नीचे दिखाई देगा। नहीं आप देखिए ना यहाँ पर है, ऐसे रख के देखो, देखो दिख ऊपर उठा, ऐसे रख के देखो यहाँ पे, ऐसा रहा। यहां से आके देखो, ये नहीं यहां से आके देखो इधर से, तो लगेगा कि ऊपर है, जैसे तली यहां पर है, तली यहाँ पर, ऐसे आ जाओ, इसमें नहीं है कोई प्रॉब्लम, तली यहां पर है, इधर से जहां से हम देख रहे हैं यहां से देखोगे तो लगेगा कि ऊपर है, चेक करो, इसके ऊपर से बड़ा देखो, इसके ऊपर से देखो कि ऊपर उठा हुआ है, इसके ऊपर से ऐसे देखो, लग लग रहा है ना ऊपर उठा हुआ है, तो ये इसको ऊपर इधर से देख रहे हैं तो ऊपर उठा हुआ, या पेन या कोई भी लकड़ी या कोई भी डंडी अगर अपन डालेंगे तो यहां से ये टूटी हुई नजर आ रही है। अब ये टूटी हुई नजर आने का मतलब ये है, यही है आपका प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आप लोगों को भी पढ़ना है। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या, कि जैसे कोई प्रकाश, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जैसे पेन को अगर हमें देखना है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। अभी आप कहेंगे सघन माध्यम विरल माध्यम क्या है, तो देखो ये बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो वायु है, ये विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। अभी कैसे अंतर करेंगे आप, ये भी हम बताएंगे कि कैसे अंतर होगा, कि पानी को सघन माध्यम क्यों कहेंगे और वायु को विरल माध्यम क्यों कहेंगे, ये बताएंगे। तो ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, अभी ये वायु में है, ये पानी में जा रहा, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो रहा। हाँ कहने का मतलब ये कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही घटना प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ये दो घटनाएं हमने आपको केवल करके बताई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। एक एक करके हमें एक्सपेरिमेंट करके या एक एक उदाहरण करके वो समझेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन तो वो क्या, क्या वही एग्जाम्पल के तहत हम आपको समझा रहे थे, अब उसको हम डिफाइन कर रहे हैं क्या, परावर्तन वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है? हाँ अंतर। अब जरा समझिए प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की एक किरण किसी एक माध्यम से चल के दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है या दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, बदल जाती है, कोई दिक्कत? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब समझना क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, जरा इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक ये कोई तन है, बॉर्डर है, ये बॉर्डर, और यहां पर एक दूसरा कोई माध्यम है, ठीक है? मान लीजिए कि ये सघन माध्यम है, पानी मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, ठीक? और ये जो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है। ऊपर हमने कह दिया कि वायु है, नीचे हमने कह दिया कि जल है। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये विरल माध्यम से चली और सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगी तो ये इसका अभिलंब है, अभिलंब मतलब लंब, तो सघन माध्यम की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी। कहने का मतलब क्या, सीधा अभिलंब बिल्कुल सीधा, अभिलंब का मतलब लंबी होता। एक माध्यम वायु, एक माध्यम कांच, प्रकाश की किरण जैसे ही चलती है तो सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब है। अब आप देखें तो इसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल इस दिशा में निकलना चाहिए था, यही है ना सीध?
लेकिन ये अभिलंब की ओर, अभिलंब ये था तो अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई। और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि फिर यहां कोई वायु है, यहां फिर कोई वायु है, तो यहां पर अपन देखेंगे तो ये प्रकाश की किरण आई, तो इसके लिए यहां पर अभिलंब बनाना होगा हमें, यह अभिलंब है इसके लिए। तो अब क्या होगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है, आना चाहिए से ऐसे, लेकिन यह अभिलंब से कहां चली गई, दूर चली गई। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये वाली किरण देखो, ये पी है मान के चलिए, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो यहाँ पे जो पी क्यू किरण है इसे हम आपतित किरण या आपाती किरण कहेंगे। जो आपके पास में क्यू आर है इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। जब प्रकाश की परावर्तन की घटना होती थी तो परावर्तित किरण कहते थे, और यहाँ पर इसको हम अपवर्तित किरण कह रहे हैं। और ये जो आर एस है, ये निकली हुई किरण है, कब, जब ये एक बॉक्स के रूप में हम ले रहे हो तो। अदरवाइज अगर हम ऊपर के फॉर्मेट को छोड़ दें तो फिर ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है ये आर कोण बनता है, ये अपवर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम की बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि विरल माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम कौन सा है। सीधी सी बात यह है कि एक मीडियम लिया हमने, एक मीडियम एक है और एक मीडियम का नाम दो है, पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। अगर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, पहले माध्यम से कहां गई, दूसरे माध्यम में गई, और अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, तो हम दूसरे माध्यम को सघन कहेंगे और पहले माध्यम को विरल कहेंगे। और अगर मान लीजिए पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करी और अभिलंब से दूर हट गई, तो फिर पहला वाला माध्यम सघन है और दूसरा वाला माध्यम विरल है। देखो यहां पर, जब यहां से प्रकाश की किरण आई तो अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये पहला माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम सघन है। फिर एक माध्यम से चली और दूसरे माध्यम में प्रवेश करा तो अभिलंब से दूर हट गई, तो पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल। इसके भी दो नियम होते हैं, विरल सघन बता तो दिया हमने आपको। विरल माध्यम वो है जैसे विरल माध्यम और सघन माध्यम फिक्स नहीं होते, कोई किसी के लिए विरल है, कोई किसी के लिए सघन है। जैसे हमने कहा वायु विरल, जल सघन। अब एक जगह जल भरा हो और उसके आगे कांच रखा हो, और अब जल से कांच में जाए, जल से कांच में जाए, तो जल बनेगा विरल और कांच बनेगा सघन। क्योंकि जब जल से कांच में प्रवेश कराएंगे तो झुकेगी, और कांच से जल में प्रवेश कराएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो जिस माध्यम में प्रवेश करें, प्रवेश करने के बाद अगर अभिलंब की ओर झुके तो वो माध्यम सघन है, और अभिलंब से दूर हटे तो वो माध्यम विरल है। झुकी तो ये वाला माध्यम सघन है, हटी तो ये वाला माध्यम विरल है। इतनी सी बात, तो ये विरल और सघन माध्यम होते। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम होते थे, ऐसे ही अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। एक नियम कहता है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहीं पर आपतित किरण आया, यहीं पर अभिलंब आया, यहीं पर अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का नियम भी यही कहता था, अपवर्तन का नियम भी यही कह रहा। परावर्तन का नियम दूसरा वाला यह कहता था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होते। आपतन कोण की जिया, जिया बोलते हैं साइन को, जिया किसे बोलते हैं, जैसे अपन त्रिकोणमितीय भी जब पढ़ेंगे या आपने नौ में कभी पढ़ी होगी तो वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल राशि होती है, साइन कॉस टेन इस तरीके की। साइन को हिंदी में बोलते हैं जिया, कॉस को बोलते हैं कोजिया, और टेन को बोलते हैं स्पर्श जिया। जिया कोजिया स्पर्श जिया। तो आपतन कोण आई की जिया, अपवर्तन कोण आर की जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, ये जो चिन्ह है ये हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये होता है, जैसे अगर कहीं हम लिखें ए अनुक्रमानुपाती बी, तो इसका अर्थ यह है कि ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और ए घटेगा तो बी घटेगा।
और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, जैसे हम कहेंगे ए व्युत्क्रमानुपाती बी, तो चिन्ह यही लगाएंगे लेकिन यहां पर एक बटे बी लिखेंगे, तो ये कहलाता ए व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल, ए रेसिप्रोकल टू बी, यानी ए बी का व्युत्क्रम है या बी ए का व्युत्क्रम है। कहने का मतलब ये कि ए बढ़ाएंगे तो बी घटेगा और ए घटाएंगे तो बी बढ़ेगा। अब जरा समझ भी लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का है, जैसे x इज इक्वल टू 1/y या 10/y हो मान के चलते, ठीक है। अगर हमने यहां पर हम ये कह रहे हैं कि x y एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बटे के रूप में है, अगर y बढ़ाएंगे तो x घटेगा, x घटाएंगे तो y बढ़ेगा। देखो y का मान दो रखो, y का मान दो रखो, x का मान कितना निकलेगा 5, और y का मान 5 रखो, x का मान कितना निकलेगा 2। तो देखो y घटाया था तो x बढ़ा था, y बढ़ाया तो x कम हुआ। और अगर मान लो कहीं x बराबर y हो, ये अनुक्रमानुपाती है, सामने सामने, आप अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे मत समझो, आप समझो अनुक्रमानुपाती मतलब आमने सामने की बात, तुम लगो x तो हम लगे और तुम नहीं तो हम नहीं। और ये वाला व्युत्क्रमानुपाती यानी एक दूसरे का उल्टा, एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा और दूसरा घट रहा तो एक बढ़ रहा, इतनी सी बात है। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह रखते नहीं है, मतलब यहां पर लगाया तो है हमने लेकिन इसे हम अलग कर लेते हैं। जब हम अलग करते हैं तो कोई एक नियत वैल्यू आती है, निश्चित वैल्यू आती है, नियतांक जिसे हम कहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहां पर जो साइन आई बटे साइन आर है, अगर हम इसे अलग करेंगे तो एक कोई नियतांक लाएंगे जिसे हम लिखेंगे एन, तो साइन आर, और यहां पर एन बराबर आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये दूसरा नियम है, और ये जो दूसरा नियम है इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल ने ही बताए थे नियमों के बारे में, या साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम से इस नियम को भी जाना जाता है कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होती है, या आपतन कोण की जिया और अनुक्रमान अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात निश्चित होता है, स्थिर होता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। यही है वो एन जो एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना अधिक है, आप जरा समझिए। अभी अपवर्तनांक से आप परिचित नहीं है, अभी आपने विरल सघन देखा था ना, विरल सघन देखा था, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, विरल माध्यम और सघन माध्यम में अपवर्तनांक, जैसे इसका अपवर्तनांक एन वन है मान लीजिए और इसका अपवर्तनांक एन टू है मान लीजिए, तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के अपवर्तनांक सदैव कम होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। जी हाँ, अगर हम वायु और जल में अपवर्तनांक की तुलना करें तो वायु को हम एन, वायु के अपवर्तनांक को एन वन लिख रहे हैं, जल के अपवर्तनांक को एन टू लिख रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे एन वन इज लेस देन एन टू, एन वन का मान कम होगा एन टू से। और यहां पर अगर हम देखें कि जल है और कांच है, जल को लिख लो अपवर्तनांक एन डब्ल्यू, कांच को लिख लो एन जी, डब्ल्यू बोले तो वाटर बोले तो जल, जी बोले तो गिलास बोले तो कांच, तो यहां पर एन डब्ल्यू छोटा है एन जी से, जिसका जो जितना सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। अब अगर पूरी बात समझ में, इसके नियम भी ठीक है।